हमारा वो है किंगडम प्लांटिंग। क्या है? किंगडम प्लांटिंग। वैसे किंगडम प्लांटिंग के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स मैं आपको बताऊंगी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी लिखे हुए हैं और हमें पता भी है कि प्लांट्स क्या क्या करते हैं। जनरल में प्लांट्स फिक्स रहते हैं, उनमें लोकोमोशन नहीं होता है, मोमेंट्स होता है, ऑटोट्रॉपिक होते हैं, फूड बनाते हैं, ठीक है, एंड लिविंग होते हैं, क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है। तो ये क्या होती हैं प्लांट्स की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, जो आपको ऑलरेडी पता है। हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम प्लांटिंग। तो पूरे प्लांट्स को हम दो ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं। कितने ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं? टू ग्रुप्स में। पहला अल्गी, दूसरा एम्ब्रायोफाइट्स। अल्गी मतलब ऐसे प्लांट्स जिनके पास एम्ब्रायो नहीं बनता है। एम्ब्रायो स्टेज जो होती है वो अब्सेंट रहती है, ठीक है, एंड जो एम्ब्रायोफाइट्स होते हैं वो जिनमें एम्ब्रायो स्टेज क्या रहती है, प्रेजेंट रहती है, मतलब एम्ब्रायो इनके अंदर बनेगा। तो इसके बेस पे हम दो में डिवाइड कर देते हैं, जिनमें एम्ब्रायो नहीं बनता वो अल्गी, जिनमें बनता है वो एम्ब्रायोफाइट्स। फिर अगेन जो अल्गी है इसके हम तीन टाइप में डिवाइड कर देते हैं, रोडोफाइटा, फाइटा, पियोफाइटा एंड क्लोरोफाइटा। मतलब रेड अल्गी, ब्राउन अल्गी एंड ग्रीन अल्गी में हम इसको क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। फिर जो ये एम्ब्रायोफाइट्स हैं अगेन इनको हम दो में डिवाइड करते हैं। कितने में डिवाइड करते हैं? एक तो ब्रायोफाइट्स होते हैं, क्या, ब्रायोफाइटा, और दूसरे होते हैं ट्राकियोफाइटा। क्या होते हैं? ट्राकियोफाइटा मतलब ब्रायोफाइट्स वो होते हैं जिनके वैस्कुलर टिश्यू अब्सेंट होता है। वैस्कुलर टिश्यू इज अब्सेंट मतलब इनमें जाइलम एंड फ्लोएम नहीं बनते हैं, और ट्राकियोफाइटा जिनमें वैस्कुलर टिश्यू होता है प्रेजेंट। ठीक है, ऐसे करके हमने ब्रायोफाइट्स को भी दो में डिवाइड कर दिया भाई, ब्रायोफाइट और ट्राकियोफाइट। अब ये जो ब्रायोफाइट हैं ये तीन टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? थ्री टाइप्स की। पहला है लीवरवॉर्ट्स, दूसरा है हॉर्नवॉर्ट्स और तीसरा है मोसेस। ऐसे करके ब्रायोफाइट्स के तीन ग्रुप हो जाते हैं। और ये जो ट्राकियोफाइट्स हैं ना, अगेन इनको हम दो में डिवाइड कर देते हैं। कितने में? दो में डिवाइड कर देते हैं, टेरिडोफाइटा एंड स्पर्मोफाइटा। किसमें? टेरिडोफाइटा एंड स्पर्मोफाइटा। टेरिडोफाइटा का मतलब होता है सीड नहीं बनते हैं इनके अंदर, सीड अब्सेंट। एंड स्पर्मेटोफाइटा का मतलब होता है ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर सीड बनते हैं, सीड और प्रेजेंट। ठीक है, यहाँ तक क्लासिफिकेशन समझ में आया कि भी पूरे प्लांट्स को हम दो में डिवाइड कर दिया, अल्गी एंड एम्ब्रायोफाइट्स। अल्गी वो होती हैं जिनमें एम्ब्रायो नहीं बनता है, और एम्ब्रायोफाइट्स वो होते हैं जिनमें एम्ब्रायो बनता है। ऐसे करके अल्गी के तीन पार्ट, रोडोफाइटा, पियोफाइटा, क्लोरोफाइटा। रोडोफाइटा रेड अल्गी, पियोफाइटा ब्राउन अल्गी, क्लोरोफाइटा ग्रीन अल्गी। ऐसे फिर एम्ब्रायोफाइट्स को हम दो में डिवाइड कर देते हैं, ब्रायोफाइटा और ट्राकियोफाइटा। ब्रायोफाइटा वो होते हैं जिनके पास वैस्कुलर टिश्यू मतलब जाइलम एंड फ्लोएम नहीं होते हैं, और वैस्कुलर ट्राइकोफाइटा वो होते हैं जिनके पास वैस्कुलर टिश्यू होते हैं। फिर कहता है कि वैस्कुलर टिश्यू के अगेन तीन पार्ट्स, लीवर वॉर्ट्स, हॉर्न वॉर्ट्स और मोसेस। एंड ये जो ट्राकियोफाइट्स हैं इनके पास, इनको दो में अगेन दो में डिवाइड कर देते हैं, टेरिडोफाइट्स और स्पर्मोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स वो होते हैं जिनके पास सीड नहीं बनते हैं, और स्पर्मोफाइट्स वो होते हैं जिनके पास सीड्स बनते हैं।